नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलएनबी टीवी में। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इस समय रूठने मनाने का क्रम भी चल रहा है, तो मतदाताओं के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं नेता, तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा इस समय केंद्र में मंत्रिमंडल का दायित्व निभा रही सुश्री उमा भारती दमोह के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह लोधी के पक्ष में मतदान करने हेतु लोगों से, मतदाताओं से आग्रह किया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को भी आम जनमानस के बीच में रखा। उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमले किए, तो वहीं दूसरी ओर पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉक्टर रामकृष्ण कुशमल्या से आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में वापस आइए, हमको मार्गदर्शन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आपके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने राजनीति में चलना सीखा है, आइए दिखाते हैं हम आपको एलएनबी टीवी के माध्यम से कि क्या कहते हैं उमा भारती आम मतदाताओं से, उनको संबोधित करते हुए और क्या कहते हैं पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए। देखिए एलएनबी टीवी की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी की नेता केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने जबेरा विधानसभा 56 के ग्राम हररई में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह लोधी के पक्ष में मतदान करने हेतु आम जनमानस से आग्रह किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लेट हो जाए कहते हैं टाइम पर आ गए, जो आज तक नहीं कहा गया है। यहाँ कांग्रेस के नेता पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर के कहा कि ये मोदी को कैसे हराना है, यानी इन्हें पाकिस्तान से मिलकर के मोदी को हराने की साजिश रची। यहाँ मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से आरोप हुए, गाली गलौज हुआ, गलत आरोप हुए, इस सबसे कांग्रेस सत्ता पक्ष में नहीं आ सकती। इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी बार कांग्रेस को विपक्ष में भी बैठने लायक स्थिति नहीं बचना है, ऐसी स्थिति बन जानी है। तो आप कहोगे फिर क्या होगा दीदी, क्योंकि लोकतंत्र में तो विपक्ष बहुत जरूरी होता है। तो आप देखिएगा 5-10 जो भी होंगे, कोई निर्दलीय अन्य पार्टियों के लोग, वो धीरे धीरे नए विपक्ष का निर्माण करेंगे और 10-15 साल में नए विपक्ष का निर्माण होगा, तब तक आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ होगी, शिवराज सिंह जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जब तक मध्य प्रदेश पर कैपिटा इनकम में हिंदुस्तान का। सुश्री उमा भारती ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए, तो वही डॉक्टर रामकृष्ण कुशमल्या से आग्रह किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में वापस आ जाए। दीदी कुशमल्या जी बागी हो गए हैं तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया बाबा से। मैं आपके माध्यम से ही निवेदन करती हूँ कि हमने बाबा से सीखा है अनुशासन। बाबा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमने देश के लिए उनसे मरना मिटना सीखा है। जो गुस्सा है वो थूक दो, और मैं अभी निवेदन करती हूँ कि सारा गुस्सा थूक के अभी भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप घोषित करो, बाबा हमें रास्ता दिखा। कल अखिलेश यादव दमोह में थे, उन्होंने कहा कि भाजपा भेदभाव की राजनीति करे, इसलिए ताजमहल में पूजा कराई और नाम बदल रही। अच्छा, ये अखिलेश यादव के जय हो। जिस आदमी ने, जिसकी पार्टी ने, अखिलेश का मैं क्या बोलूँ, वो तो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने जातीय विभाजन और धर्म का विभाजन और इसी पे खून खराबा। इसके अलावा इनकी कोई दूसरी राजनीति नहीं है, इनकी पूरी राजनीति जातीय तनाव और सांप्रदायिक तनाव के खून से रंगी हुई है। कम से कम इनको हमसे ये बातें नहीं करनी चाहिए। ताज़ातरीन समाचारों के लिए देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। नमस्कार।